कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री, ध्यान से देखेंगे, प्रोडक्शन बाउंड्री, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर. प्रोडक्टिव सेक्टर, आप बनाते हो टायर, आप बनाते हो विंडशील्ड, आप क्या बनाओगे, एयरबैग्स बनाते हो आप, ठीक है ना, आप एयरबैग्स बनाते हो, मैं बनाता हूं गाड़ी, ठीक है ना. मैंने आपसे टायर लिए, आप क्या बना रहे थे, विंडशील्ड, आपसे विंडशील्ड ली, आपसे एयरबैग्स दिए, बाकी जो सामान है कहीं और से ले लिया, बन गई गाड़ी. बट क्या अभी प्रोडक्शन प्रोसेस से बाहर आई है? तो जब मैंने आपसे टायर खरीदा, तो वन प्रोड्यूसर परचेजिंग समथिंग फ्रॉम अनदर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूसर, वी आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री. जब फाइनल कार बन गई तो वो कंज्यूमर को सेल करी गई, तो जैसे ही फाइनल कंज्यूमर को सेल करी गई, तो मतलब जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आ गया. प्रोडक्शन बाउंड्री से जब बाहर आ गया तब वो फाइनल गुड बना है. उससे पहले टायर खरीदा, विंडशील्ड खरीदी, एयरबैग्स खरीदे, कुछ भी खरीदा, वो सब इंटरमीडिएट गुड्स माने गए, क्योंकि अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही था सब कुछ. जब फाइनल कंज्यूमर को आप बेच रहे हो तो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर आया है सामान. ओके, कोई भी डाउट? एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, एंड व्हेन अ गुड कम्स आउट ऑफ दिस बाउंड्री इट बिकम्स अ फाइनल गुड. इन द गिवन डायग्राम देर आर थ्री प्रोडक्शन यूनिट्स ए बी सी. फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन, कॉटन दे रहा है इसको थ्रेड बनाने के लिए, तो थ्रेड भी अपने आप में एक रॉ मटेरियल ही है, जो यहाँ पे थ्रेड यूज हो रहा है क्लॉथ बनाने के लिए. क्लॉथ बेचा जाएगा फाइनल कंज्यूमर को, तो जब तक प्रोड्यूसर आपस में गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, वो सब गुड्स विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री हैं, वो इंटरमीडिएट गुड्स का पार्ट ही माने जाएंगे. तो जो फाइनल क्लॉथ बिका कंज्यूमर्स को, सिर्फ वो फाइनल गुड आएगा. तो जो क्लॉथ है उसमें कॉटन की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, उसमें थ्रेड की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, उसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री समझ आया? क्लियर? इंपॉर्टेंट है.